नमस्कार, मैं हूं आचार्य धर्मेंद्र जी। आप सभी का प्यार और ज्योतिषी में स्वागत करते हैं। तो आपको मालूम है 8 मार्च को महाशिवरात्रि है। इस दिन अगर जातक अपने ग्रह को शांत करने के लिए अगर यदि रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उनके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आता है और वह हर हमेशा जो है भगवान शिव के साक्षात में रहता है। उसके जीवन में कभी भी कोई भी समस्या आने नहीं देता है भगवान शिव। आपको मालूम है महाशिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति के जातक में कभी भी जो है नवग्रह में कोई भी ग्रह का दोष नहीं आता है। इस दिन अगर यदि आप पंचमुखी रुद्राक्ष को एक लाल धागे में बना करके अपने गले में धारण करते हैं तो आपके ग्रह में, आपकी कुंडली में जो भी दुष्ट ग्रह है, राहु केतु शनि या फिर मंगल, जिस भी ग्रह का आपका कुदृष्टि है या उनका बुरा असर आ रहा है तो उनको शांत करेगा और आपके जीवन में खुशियां लाएगा। यदि आप महाशिवरात्रि में पंचमुखी रुद्राक्ष को भगवान शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर अगर यदि बेलपत्ता पर रख के चढ़ाते हैं, ऊपर से जल अर्पित करते हैं तो शिव जी आपके सारे मनोकामना को पूर्ण करते हैं। चाहे वो आप जो भी मनोकामना हो, जिन भी जातक के जीवन में विवाह में समस्या हो रहा है तो पंचमुखी रुद्राक्ष को भगवान शिव को चढ़ाएं। चढ़ाने से जो है आपका विवाह में आने वाली सारी रुकावट को वह ठीक करेगा। यदि आपके बिजनेस में किसी भी तरह का समस्या आ रहा है या आपके शरीर में किसी भी तरह का कष्ट है, चाहे कोई बीमारी परेशान कर रहा है, बीमारी पता नहीं चल रहा है, तो उस अवस्था में आप जो है पंचमुखी रुद्राक्ष को लाल धागे में बना करके आप गले में धारण कर सकते हैं। ये देखिए पंचमुखी रुद्राक्ष है, इस रुद्राक्ष को आप जो है धारण कर सकते हैं। ये देखिए पंचमुखी रुद्राक्ष बिल्कुल सस्ता होता है, बिल्कुल आसानी से आपके पास उपलब्ध हो सकता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है या अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को पंचमुखी रुद्राक्ष के बारे में पता चले और महाशिवरात्रि में जो है ये रुद्राक्ष धारण कर करके व्यक्ति के जीवन में खुशियां आ सके। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जय माँ पार्वती, जय बाबा भोले शंकर, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।